हेलो एवरीवन, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 यूजिंग द कीबोर्ड। अभी हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग जो आप आंसर करना है क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे बड़ी लॉन्ग की कौन सी होती है कीबोर्ड पे? फर्स्ट का आंसर है स्पेस बार। सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है तो आपको यहाँ से लिखना है स्पेस बार इज यूज टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन वर्ड। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी शिफ्ट की आर देयर ऑन द कीबोर्ड। शिफ्ट की कितनी होती है कीबोर्ड? आपका सेकंड का जो आंसर है देखिए यहाँ से शिफ्ट की कितनी होती है। देयर आर टू शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड। वन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एंड अनदर ऑन द राइट साइड। देखिए दो शिफ्ट कीज होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है, एक दूसरी राइट साइड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। अलग अलग तरह की जो कीज होती है कीबोर्ड पे उनके बारे में आपको उनका नाम लिखना है। थर्ड का आंसर है देखिए टाइप्स ऑफ की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। अल्फ़ाबेट कीज, नंबर की, कर्सर कंट्रोल की, फंक्शन कीज, पंक्चुएशन की, सिंबल की एंड स्पेशल की। आपका थर्ड का आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नेम द कीज यूज टू टाइप कैपिटल एंड स्मॉल केस लेटर अल्टरनेटिवली ऑन द कीबोर्ड। आप अल्टरनेटिवली स्मॉल केस और जो कैपिटल केस है वो यूज़ कर सकते हो। वो कौन सी कीज हैं? आपका आंसर है यूजिंग द कैप्स लॉक की। 4 का आंसर है टू टाइप एन अल्फाबेट इन कैपिटल यू कैन प्रेस द कैप्स लॉक की वंस एंड इंश्योर दैट द कैप्स लॉक इंडिकेटर लाइट्स इज ग्लोइंग। फॉर एग्जांपल देखिए इफ़ यू टाइप कंप्यूटर्स इट विल अपीयर्स कंप्यूटर्स ऑन द स्क्रीन कैपिटल में हो जाएगा। और जैसे ही आप कैप्स लॉक निकालते हैं फिर से हमारा जो है लिखा हुआ वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। हम शिफ्ट की यूज़ करके भी अल्टरनेटिवली जो है वो कैप्स लॉक कैपिटल और स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द की विच मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए कौन सी की यूज़ होती है? आंसर 5 है एंटर की। दिस की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ये की किस लिए यूज़ होती है? देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है आंसर नंबर 5 नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए एंटर की का यूज होता है। लेट्स वी स्टार्ट अवर स्किल शीट। देखिए फर्स्ट में आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है जो आपको लैब में करने के लिए, जो अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो एक्टिविटी करके देख सकते हैं। टाइप द नंबर 0 to 9 यूजिंग द कीबोर्ड। 0 to 9 आपको नंबर टाइप करने है कीबोर्ड पे से। टाइप द सिंबल्स अबव द कीज 0 to 9 यूजिंग द शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज़ करके 0 to 9 के ऊपर कीज नंबर की में जो सिंबल्स है अलग अलग वो आपको यूज़ करके देखने हैं। नेक्स्ट है टाइप द फॉलोविंग। देखिए इस तरह से आपको टाइप करके देखना है। माय नेम इज़ रोहन, अलग अलग सिंबल, माय फेवरेट बुक इज़ हैरी पॉटर, माय फेवरेट कलर इज़ बेबी पिंक, आई लव स्केटिंग एंड स्विमिंग, आई लव पेट डॉग। देखिए जहाँ पे कैपिटल यूज़ किया है वहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ किया है वहाँ पे स्मॉल लेटर आपने यूज़ करके देखना है। 4 है टाइप द कैपिटल लेटर ए टू जेड यूजिंग द शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज़ करके आपको ए टू जेड लेटर टाइप करके देखने हैं। नेक्स्ट है टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं वो टाइप करके देखना है। देखिए आई लव टू गो फॉर शॉपिंग विथ माय मदर, माय मॉम एंड डैड टेक मी टू द मॉल, आई स्टडी इन क्लास 3। ये जो है जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जो कैपिटल है वो कैपिटल और जो स्मॉल लेटर है वो स्मॉल लेटर, इसी तरह से आपको वो टाइप करके देखना है। सी है श्रिया वॉन्ट टू राइट द नेम ऑफ द हर फ्रेंड इन डिफरेंट लाइन एज गिवन बिलो। देखिए जो श्रिया जो है अपने फ्रेंड का नाम लिखना चाहती है पर अलग अलग लाइन पे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन के। नोट स्टूडेंट्स कैन टाइप द नेम्स ऑफ देयर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स का भी नाम लिख सकते हैं इसकी जगह। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन पूछे फर्स्ट नेम देखिए क्या है, प्रकृति शर्मा, निष्ठा डोंगल, अमान वर्मा। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द की द शी वुड यूज टू टाइप द नेम इन डिफरेंट लाइन। अलग अलग लाइन पे हमें अगर नाम लिखने तो हमें कौन सी की का यूज़ करना होगा, एंटर की। एक नाम लिखा एंटर की प्रेस की तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। सेकंड है नेम द की शी वुड यूज टू
पुट अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड इन ईच नेम। देखिए नाम के अंदर फर्स्ट एंड लास्ट जो नेम है उसके अंदर उसे स्पेस रखना है, थोड़ी जगह रखनी, ब्लैंक स्पेस रखना है, तो कौन सी की यूज़ होगी? स्पेस बार। नेम द की शी शुड यूज टू टाइप द फर्स्ट लेटर ऑफ द टू वर्ड इन ईच नेम इन कैपिटल विदाउट टर्निंग ऑन द कैप्स लॉक। देखिए कैप्स लॉक विदाउट यूज़ किए बिना उसे क्या करना है, जो नाम के फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट और टू दोनों के जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखने, तो किसका यूज़ होगा हमें? शिफ्ट की का। नेक्स्ट है एंटर की इज़ यूज टू टेक द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की किस लिए होती है? कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए। नेक्स्ट है कर्सर कंट्रोल की मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। कर्सर कंट्रोल की जो होती है वो कर्सर को स्क्रीन पे मूव करने में हेल्प करती है। डिलीट की इज प्रेस टू डिलीट अ कैरेक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। राइट साइड के जो लेटर होते हैं वो डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज़ होती है। स्पेस बैक स्पेस की इज प्रेस्ड टू डिलीट द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड का अगर हमें डिलीट करना है तो हमें कौन सी की का यूज़ होगा? बैक स्पेस। स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे बड़ी की कौन सी है कीबोर्ड पे? स्पेस बार की। नेक्स्ट है नम लॉक की इज़ यूज टू एक्टिवेट द न्यूमेरिक कीबोर्ड लॉक्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। राइट साइड कीबोर्ड के राइट साइड पे जो नंबर होते हैं वो लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है? नम लॉक। नेक्स्ट है पेज अप की इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑन द प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज के लिए पेज अप की का यूज़ होता है। होम की मूव द कर्सर टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाने के लिए कौन सा? होम की का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। देखिए आपको यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे सिंबल्स या उनकी जो वो काम कर सकते हैं वो बताया गया है, तो आपको मैच करना है। अल्फ़ाबेट की में क्या आता है? ए टू जेड अल्फ़ाबेट। नंबर की में क्या आता है? नंबर आते हैं 0 to 9। कर्सर कंट्रोल की कौन सी है? ये वाली, ये अप डाउन लेफ्ट राइट वाली। एस्केप में क्या यूज़ होगा? F1, F2 to F12। पंचुएशन की कौन सी आपकी? ये वाले, ये जो है सिंबल अलग अलग वो पंचुएशन की। नेक्स्ट है सिंबल की होगी आपकी ये प्लस माइनस है, इक्वल टू है, मल्टीप्लिकेशन है ना। बाद में है स्पेशल की कौन सी है? पेज अप, पेज डाउन, शिफ्ट कंट्रोल, अल्टर, डिलीट, ये आपकी कौन सी की है? स्पेशल की। नेक्स्ट है सर्कल द की दैट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन ऑन द कीबोर्ड एंड राइट। देखिए आपको नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसका यूज़ करके सर्कल करना है कि इसको जो वो एक्शन फॉलो करती है। फर्स्ट देखो लिखा है द की विच मेक्स ऑल द लेटर कैपिटल। सब लेटर कैपिटल यूज़ करने के लिए कौन सा की यूज़ होती है? कैप्स लॉक। देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। द की यूज़ टू मेक द स्पेस बिटवीन वर्ड। वर्ड के बीच में स्पेस आने के लिए कौन सी? स्पेस बार। यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है। नेक्स्ट है द की विच मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एंटर। यहाँ पे देख के आपने ये जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट करनी है। द की विच आर यूज टू टाइप द नंबर। नंबर टाइप करने के लिए नम्स लॉक। द की विच आर यूज टू मूव द कर्सर अराउंड द पेज। पेज के अराउंड कौन से की यूज़ होगी? कर्सर कंट्रोल की। द की विच इज़ यूज टू डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर। कर्सर के पहले वाला जो है वो डिलीट करने के लिए बैक स्पेस, और आफ्टर कर्सर, कर्सर के पीछे वाला डिलीट करने के लिए डिलीट की। ड्रॉ द कीज बिसाइड इट्स इंस्ट्रक्शन। आपको कीज ड्रॉ करनी है डिस्क्रिप्शन को पढ़ के। यहाँ मैंने नाम लिखे हैं, आपको की ड्रॉ करने हैं डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। देखिए कीज डिस्क्रिप्शन है द की यूज टू डिलीट लेटर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। राइट साइड ऑफ द कर्सर का जो लेटर है वो डिलीट करने के लिए कौन सी की होती है? डिलीट की। वो आपने ड्रॉ करनी है, मैंने लिखा है सिर्फ। द की यूज टू मूव द कर्सर अराउंड द स्क्रीन। स्क्रीन के अराउंड कर्सर घुमाने के लिए वहाँ कौन सा की यूज होती है? कर्सर कंट्रोल की। नेक्स्ट है द की यूज टू टाइप ऑल लेटर इनटू कैपिटल। सारे जो लेटर है कैपिटल में लिखने के लिए कौन सी यूज होगी की? कैप्स लॉक। नेक्स्ट है द की टू डिलीट लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। लेफ्ट साइड का, कर्सर के लेफ्ट साइड का डिलीट करने के लिए कौन सी की यूज होगी? बैक स्पेस।
द की यूज विद अ लेटर की टू मेक वन लेटर इंटू कैपिटल. आपको सिर्फ वन लेटर कैपिटल करना है, बाकी सब स्मॉल जैसे लिखते हैं वैसे. तो एक लेटर कैपिटल करने के लिए कौन सी कीज होगी? शिफ्ट की. नेक्स्ट है द की दैट मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को ले जाने के लिए कौन सी की यूज होगी? एंटर की. नेक्स्ट है द की विच इज़ यूज टू इंसर्ट अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड. दो वर्ड के बीच में स्पेस रखने के लिए कौन सी कीज होगी? स्पेस बार की. ये जो कीज है आपने ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनस्क्रैबल द वर्ड विद द हेल्प ऑफ क्ल्यूज प्रोवाइड्स बिलो. देखो आपको अनस्क्रैबल करना है, यहाँ पे क्ल्यू दिया है. अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन टू एंटर टेक्स. देखिए ब्लिंक करने वाली लाइनों से क्या कहते हैं? कर्सर. एन इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस है वो क्या है? कीबोर्ड. देखिए की मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए कौन सी की यूज़ होती है? एंटर की. नेक्स्ट है की यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट टाइप करने के लिए अल्फ़ा कीज. कीज यूज टू इंसर्ट सिम्बॉल. सिम्बॉल यूज करने इंसर्ट करने के लिए सिम्बॉल की. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वॉट इज़ कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है? अ कीबोर्ड इज़ अ यूज टू टाइप टेक्स्ट एंड नंबर्स इन टू अ वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट एडिटर और एनी अदर प्रोग्राम. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस यूज फॉर डायरेक्ट इनपुट इन टू द कंप्यूटर. देखिए कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कोई भी नंबर टेक्स्ट डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है. नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ द कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड. नेम देम. कितनी कीज होती है कीबोर्ड पे? उनके नाम लिखने हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड. अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज, कर्सर कंट्रोल की, फंक्शन की, पंचुएशन की, सिंबल की एंड स्पेशल की. ये अलग अलग की जो होती है वो कीबोर्ड पे होती है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ईच की इज टू इट्स लोकेशन ऑन द कीबोर्ड. आपको देखिए ये कीज दी गई है. आपको लाइन देखिए जिसके मैंने स्पेस बार कहा होता है यहाँ पे होता है. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये होमवर्क में है. आपको जो उनकी प्लेस है प्रॉपर वहाँ से उन्हें पेयर करना है. नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर ऑफ द की. देखिए मिसिंग लेटर मैंने फिल करके देखा दे दिया है. मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ. फर्स्ट है स्पेस बार, एंटर, सी है डिलीट, डी है बैक स्पेस, ई है स्केप कैप स्केप, देन एफ है पेज डाउन, जी है पेज अप, एच है कैप्स लॉक, आई है नंबर लॉक नम लॉक, जे है शिफ्ट एंड के है कंट्रोल वाला. ओके तो आपका होमवर्क है, आपको जो मैंने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो नोटबुक में लिखने हैं. ये जो पांचों क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व करवाए ये सारे आपको नोटबुक में लिखने हैं. देन आपको अपनी स्किल शीट जो है कंप्लीट करनी है और नोटबुक में क्या क्या लिखना है वो मैं टिक करके बताती हूँ. ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ये आपको नोटबुक में लिखना है. देन जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आपको नोटबुक में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको नोटबुक में लिखना है. थैंक यू.